एवरीवन, वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर खुल गई है कुछ कॉन्टेस्टेंट्स की किस्मत। जी हाँ, बिग बॉस के घर के बाहर आने से पहले ही मिल गए हैं उन्हें सबसे बड़े टेलीविजन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स, और कुछ की किस्मत तो इस तरह चमकी है कि सीधे सीधे बॉलीवुड का रास्ता खुल चुका है। वेल, इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है बिग बॉस, और ऐसे में जो कॉन्टेस्टेंट बिग बॉस के घर के अंदर आखिर तक टिक जाते हैं, उन टॉप 5 कॉन्टेस्टेंट्स की किस्मत चमकना तो पूरे तरीके से तय होता है। लेकिन इस बार कॉन्टेस्टेंट्स इतने कमाल है कि 5 नहीं बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्टेंट्स को इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको बिग बॉस के किन कॉन्टेस्टेंट्स को क्या क्या प्रोजेक्ट्स मिले हैं। वेल, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शामिल होता है अंकित गुप्ता का। जी हाँ, जो हाल ही में एलिमिनेट हुए हैं और इस वक्त वो कर रहे हैं जुनूनियत सीरियल। वहीं अंकित के साथ अगला नाम गौतम सिंह विक का आता है, जो अंकित के ही साथ जुनूनियत सीरियल में आपको लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं बात करें निमृत कौर आलूवालिया की, तो उन्हें एकता कपूर के सुपरहिट फिल्म लव सेक्स और धोखा के सेकंड पार्ट में कास्ट कर लिया गया है। वहीं अगला नाम आता है प्रियंका चाहर चौधरी का। वेल, सबसे ज़्यादा बड़ी किस्मत प्रियंका की चमकी है क्योंकि उन्हें सलमान खान की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ये बात खुद सलमान खान ने बोली है। खबर है कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के जरिए लॉन्च होंगी और कोई नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी। तो वहीं आपको बता दें कि अब्दू रोजिक, जो बिग बॉस की फेम बन चुके हैं, बिग बॉस 16 की आन बान और शान बन चुके हैं, उनका हाल ही में एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है और साथ ही साथ वो सलमान खान की फिल्म किसी की भाई किसी की जान में नजर आने वाले हैं। इन्हीं के साथ अगला बड़ा नाम शामिल होता है शालीन भनोट का, जिन्हें एकता कपूर के सुपर नेचुरल शो में कुशाल टंडन की जगह लीड रोल में काम मिल चुका है सीरियल ब्यूटी एंड द बीस्ट में। वेल, शालीन भनोट के बाद अगला बड़ा नाम शामिल है सुम्बुल तौकीर खान का, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने एकता कपूर को इम्प्रेस कर दिया और उन्हें दे दिया अपना सुपरहिट सीरियल नागिन। जी हाँ, नागिन 7 की लीड एक्ट्रेस होंगी सुम्बुल तौकीर खान। तो वहीं इस वक्त बिग बॉस सीजन 16 के फाइनलिस्ट माने जाने वाले कॉन्टेस्टेंट शिव ठाकरे को खतरों के खिलाड़ी का 13 सीजन ऑफर हुआ है। खबरों की माने तो शिव ठाकरे की टीम ने इस शो को साइन भी कर लिया है और वो आपको खतरों के खिलाड़ी के 13 सीजन में नज़र आने वाले हैं। वेल, इन्हीं के बाद हम बात करते हैं MC स्टैन की, जिनके 2 म्यूजिक एल्बम्स बिग बॉस के घर के बाहर रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ एकता कपूर ने भी उनसे ये कहा है कि वो उनके अपकमिंग वेंचर्स के लिए रैप करेंगे। तो वहीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीना दत्ता, जिन्हें दुर्गा और चारू नाम के कलर्स टीवी के सीरियल में नेगेटिव करेक्टर करने का एक बहुत बड़ा ऑफर मिल चुका है। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप? हमें अपने व्यूज कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।